जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में आज वन रेस जालंधर हाफ मैराथन करवाया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने इस दौड़ में भाग लिया। ये दौड़ गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम से शुरू हुई। इसमें ऑटिज्म के लिए 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दौड़ और हाफ मैराथन यानी 21.1 किलोमीटर दौड़ में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस हाफ मैराथन की खास बात ये रही कि में सुबह सुबह बच्चे, युवा और बुजुर्ग एथलीट के साथ साथ कई दिव्यांग भी पहुंचे, जिनको देखते ही सभी में जोश भर गया और सभी ने दौड़ पूरी की। जालंधर प्रशासन ने फिटनेस फर्स्ट ड्रग फ्री पंजाब के संदेश को बढ़ावा देने के लिए दौड़ का उत्साह पूर्वक समर्थन किया। हाफ मैराथन विजेता यानी महिला वर्ग, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए जीता। वहीं सभी को स्नैक्स के साथ साथ रनिंग किट, टी शर्ट और अन्य इत्यादि उपहार भी दिए गए। साथ ही उनका मनोरंजन करने के लिए डीजे भी लगाया गया था, जिस पर बज रहे गानों में सभी को नवा दिया। सभी ने खूब इंजॉय किया। विश्व के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह और दौड़ के मेजर डीपी सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक वन रेस दौड़ जालंधर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कारगिल युद्ध के लिए एक प्रसिद्ध योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर और पहले अपंग स्काई डाइवर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित AIMS कोर्स में जालंधर और पूरे भारत के अन्य राज्यों से 4,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जो पिछले साल की तुलना में भागीदारी में काफी वृद्धि है। सभी आयु वर्गों के विजेताओं को कुल 4,50,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। तो वहीं इंटरनेशनल रनर हरमिलन बैंस भी इस अवसर पर मौजूद रही। श्री सर्वेंट सैम, MD कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और अंजलि दादा, संस्थापक सोच ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पंजाब, इस प्रोग्राम में मौजूद रही। समावेश और एकता के अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक वन रेस हाफ मैराथन पंजाब की सोच ऑटिज्म सोसाइटी के साथ भागीदारी करता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। शांत ध्वजारोहण की अवधारणा, जहां ऑटिज्म बच्चे बिना किसी ध्वनि ट्रिगर के दौड़ में भाग लेते हैं, भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। इस रेस के मुख्य प्रायोजक और संरक्षण कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक के मिशन जमीनी स्तर के नागरिकों को सशक्त बनाना और सभी हितधारकों के लिए समृद्ध और प्रगतिशील वातावरण का निर्माण करना बताया है। सर, आपका नाम? सरबजीत सामरा। आज ये मैराथन रेस इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराया, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के जो अरेंजमेंट्स, उन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है, अरेंजमेंट्स के लिए मैं वो बोलूंगा कि खुद हम ऑर्गेनाइजर भी हैं। आई एम फ्रॉम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम लोग मेन स्पॉन्सर हैं, पर उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। तो थर्ड एडिशन है ये दौड़ जालंधर की, और हर साल मैं देख रहा हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है और होनी भी चाहिए। और जो कमियां रह जाती हैं, हम रेस के बाद बैठ के उन पे वर्क करते हैं। और इस साल रूट बहुत ही फ्लॉलेस रूट था, सबने बहुत एंजॉय किया। शुक्रिया सर। मैम, आज मैराथन रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया, तो कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर हमारे बच्चे और हम हर जगह सबके जैसे इन्वॉल्व हो सके, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अस, बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड हम वन रेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, बिकॉज उन्होंने हमें ये मौका दिया। इसमें क्या था कि सब बच्चों को लगा कि हम अपने हम उम्र अपने साथियों के साथ चल सकते हैं, कर सकते हैं। एंड आई थिंक फिनिशिंग अ मैराथन सबको बहुत अच्छा लगता है। मैम, आप NGO चलाते हैं, सोच NGO, जो कि जो आप जैसे चला रहे हैं कि एक नई उम्मीद लेके जो है ये NGO लेके आई, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने ये NGO तो शुरू इसीलिए की थी क्योंकि हम चाहते थे कि जितने ऑटिज़म के बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, वो एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें, और उसके लिए ट्रेनिंग और उनको इक्विप करना ये ज़रूरी था। तो NGO तो वैसे शुरू हुई, और अब ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हमारा ड्रीम पूरा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे बच्चे भी दिखा सकते हैं। इट वॉज़ वेरी नाइस टू सी के 3 किलोमीटर्स के लिए सोच के बच्चों ने पूरा अपना वॉक कम्प्लीट किया है। इवन ऐसे बच्चे थे जिनकी लेग्स में कुछ डिफिकल्टी हैं, पर वो भी वॉक कम्प्लीट करके आए हैं। इट्स अ गुड अचीवमेंट, एंड आई थिंक इट्स थ्रू ट्रेनिंग एंड जो हम परसिस्टेंटली काम कर रहे हैं थ्रू दैट।
जो ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं अक्सर उनको मतलब कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, लाइक है ना, आप जो एनजीओ चला रहे हैं वो आप उनके लिए एक उम्मीद बन के जो है उतरे हुए हैं, ऐसे में ये आप दिखाते हैं कि उनमें भी बहुत स्किल्स होती हैं। बिल्कुल। सो हमारा मेन एम तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंट में आए। जब ऐसे मौके मिलते हैं जैसे आज वन रेस के साथ था, आई वॉन्ट टू शेयर कि ये भारत का सिर्फ एक क्वाइट फ्लैग ऑफ है। क्वाइट फ्लैग ऑफ का मतलब जहाँ सब शोर शराबा बंद कर दिया जाता है, ढोल बंद कर दिए जाते हैं, ताकि हमारे बच्चे बड़ा कामली और शांति से आगे अपनी रेस कंप्लीट कर सके। जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्पस ओनली, कि बच्चों का हुनर दिखे एंड बच्चे जो काम कर सकते हैं वो दिखे। आज आपने एक वॉलंटियर से बात की, उसके हम उम्र बच्चे थे, उसको अच्छा लगा कि मैं जिनके साथ चल रहा था वो मुझसे कम नहीं है। सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। मैम आपका नाम? हरमिलन बैंस। आज आपको कैसा लगा यहाँ पे मैराथन रेस जो ऑर्गेनाइज कराई गई और इतना जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन लोगों ने किया, कैसा लग रहा है आपको? ये थर्ड एडिशन मैराथन है तो कैपिटल बैंक की तरफ से करवाई गई, बट ये बहुत देख के अच्छा लगा कि अराउंड 5000 पार्टिसिपेंट जलंधर से ही इतना आया है और स्पोर्ट्स के लिए एक अवेयरनेस है। मैराथन इज द थिंग कि जो लोग बहुत क्रेजली करते हैं, अभी आप कोई और इवेंट करवाते तो शायद इतने लोग नहीं आते, तो इसको लेके काफी लोग अवेयर भी हैं और जो अवेयरनेस देखने को मिल रही है एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग अपना संडे, कैलोरीज बर्न करने भी आ रहे हैं और थोड़ी सी कैलोरी इनटेक भी हो रही है। आई रियली लाइक दैट। एक एक फैमिली दिख रही होगी आपको कि एक सारी स्पोर्ट्स फैमिली एक साथ हुई है एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जलंधर ब्यास फ्रेंड कोई बड़ी गल नहीं, जिला भी शहर भी मेरा इत्थे रौनक हुण ऐका बहुत हो गई, बढ़िया अमन चैन, बड़ी दौड़ भी अमन चैन ना हुई, बड़ा मैं खुश हाँ। जड़ा मेरे शहर ने कीती तो सारे तरक्की, पर ऐ शहर ने बड़ी तरक्की कीती है, बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वास्ता नहीं, किसी के सट चोट नहीं, बड़ी ये भी बड़ी बधाई है जी किसी के सट चोट नहीं लगी, तो मैं बड़ा खुश हाँ। जड़ा मेरे शहर ये हो एक किस्म का ब्यास पिंड जलंधर कोई दो ने, जिला भी आ साडा पिंड भी आ, हुण मैं बड़ा खुश हाँ। चलो शुरू कीती ही ये गल, कोई जानता ही नहीं सी मैराथन की हुंदी आ, ते इत्थे आण के शुरू कीती। पहलां उन्हां मुल्कां च मैं रहा पढ़दा रहा, फिर इत्थे आण के शुरू होई ते बहुत बढ़िया तरक्की साल दे साल होई जांदी। जलंधर मैं हिसाब लाया हुण बहुत तरक्की कीती इस मैराथन च, एक अमन चैन वा, इहदे सट चोट ने, एक बहुत पब्लिक दूरां दूरां तो आण के दौड़न आई आ, ते मौसम भी चंगा रहा, हर एक तरह वधिया वधिया रहा, मैं बड़ा खुश हाँ। मैनू हर साल सादे, चलो सादे कि मेरा तो शहर वा है, उदा तो मैं बाहरलिया मुल्कों च भी कई साल लगा रहा, तो इत होर थां भी जाइदा, पर यह तो मेरा घर का मेरा शहर वा, इस शहर की खुशी ना मैं बहुत जिदा घर के बच्चे को गल हुई होना उदा है, बहुत मैं खुश होया। चलो मैं तो हम भी गया, मैं डर रहा मैं डिग ना पाव, मेरे नाल करते रेंदे आ लड़कियाँ लड़के पोते पोतियाँ, तो पर मैं देख के बहुत खुश होया, देख के ये दौड़ बड़ी खुश होना, मैं भी ये काम कर मैं भी बहुत चिर किया उन्होंने मुल्क बहुत चिर किया, बोले बोले उन्होंने मुल्कों के बच्च उतराई चढ़ाई बहुत, इतने पद्धर जोड़े उन्होंने मुल्क दौड़े आए वह परवाह नहीं मानते, इतने पद्धर उन्होंने मुल्क इदा 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 चल उतराई चढ़ाई चढ़ हो जाता, जल्द थका आदमी होतर नहीं इन्नी उतराई चढ़ाई, तो आज पद्धरी धरती आ पाकिस्तान इतने, तो बहुत सोहनिया दौड़ा लगियाँ, बड़ा
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਨਮਸਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੌਰ ਹੂੰ, ਓਕੀਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆਈ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਔਰ ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ। ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਨਾਨਾ ਔਰ ਇਨਕੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਸੋਚ, ਤੋ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਉਨਕਾ ਡਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਜਲੀ ਜੀ, ਔਰ ਵਨ ਰੇਸ ਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ ਆਪ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਨਵ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਥਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਮੇਂ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ ਆਪ ਨਾਮ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ ਆਪ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਝੇ ਜੁੜਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਆ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ, ਸਭੀ ਕੋ ਔਰ ਸਭੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਇਹ ਆਗੇ ਇਸ ਦੌੜ ਮੇਂ ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਰਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ ਆਪ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਯਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਡੂਨ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਅਭੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਲਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚਤੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਕਿਡਸ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਇਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ, ਕਿਤਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੈਵਲੇਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਾ, ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਸੋਚ ਫੋਰ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਵੀ ਆਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਔਰ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੂੰ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। My name is Nora Root. It was a great experience. A lot of people participating. Everybody was really nice. Bachchane, it was really nice to like run in a big crowd. Yeah, nice experience. Sir, aapka naam? Main Niranjan Jadhav, Mumbai se aaya hoon. जालंधर का मैराथन का फर्स्ट टाइम मेरा पार्टिसिपेशन है, मेरे महाराष्ट्र गोवा के इसमें पार्टिसिपेशन करते रहता हूँ, तो आज पंजाब में पहली बार आया, तो इसके लिए आगे और भी जगह मुझे जाना है, तो एक संदेश अभी मिलता है कि हम जितने भी व्हीलचेयर पर्सन है, इन लोगों को वही बताना है कि आप अकेले भी जा सकते हैं, आपके साथ सपोर्ट भी कोई रहेगा तो वहाँ पे भी जाके आप मैराथन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा नाम निक्सन खोखर है, तो ये मेरी फर्स्ट मैराथन थी 5 किलोमीटर की, और ये करके मज़ा आया और कंपटीशन भी बहुत था, मुझसे सीनियर मेरे जूनियर मेरे को देखने को पहली बार मिले और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं फर्स्ट 50 में आके मेरे को बहुत खुशी हुई है। मैम आपका नाम? मेरा नाम अनीसा नबी है। आज आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया, ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम आई एम रनिंग दिस रेस, और यहाँ पंजाब की वाइब देखकर, स्पेशली मैं वन रेस जलंधर की वाइब के लिए आई हूँ, बहुत मज़ा आया, full of energy, मैंने 10 kilometers की run की and it was very enjoyable. शुक्रिया मैम। सर आपका नाम? अमरजीत सिंह, मैं जम्मू से हूँ। तो कैसा लग रहा है आज आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया? बहुत सुपर लग रहा है, इसीलिए तो इतनी दूर से हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो इसी के लिए आए हैं कि अपने आप को फिट रखें, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर जलंधर में आ गया, बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा खाना है, सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा। सर आपका नाम? मेरा नाम शफात है। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ पे मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस मैराथन में, और मैं कश्मीर से हूँ, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इवेंट और होने चाहिए तो जिसमें पार्टिसिपेट करें। तो जी सर आपका नाम? मेरा नाम अनूप शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं रेगुलर रनर हूँ, जालंधर में पहली रन कर रहा हूँ, और इट्स अमेजिंग अरेंजमेंट, अमेजिंग रूट, जय हो जलंधर वालों को, सत श्री अकाल, इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने किया है, आई होप कि लोग यहाँ पे आए और जलंधर वाले भी पार्टिसिपेट करें इसमें, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, रनिंग से बढ़िया कोई एक्टिविटी नहीं है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा लखनपाल है। कैसा लगा आज आपने
मैराथन में पार्टिसिपेट किया और जो रेस को कंप्लीट किया। वह रेस बहुत अच्छी थी, अरेंजमेंट बड़े अच्छे थे और रेस करके बड़ा मजा आया। इट्स अ वेरी गुड अवेयरनेस फॉर द हेल्थ। आई वुड लाइक द पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। सर आपका नाम? अभय कोहली। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा रूट, इतना अच्छा मौसम और क्या जोश है यहाँ पे। ये तीसरी एडिशन है जलंधर में और मेरी भी तीसरी है यहाँ पे और दिस इज अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया। यूश फ्रॉम पटियाला। दिस इज माय हैट्रिक ऑफ हाफ मैराथॉन्स। दिस टाइम मैनू पेसिंग का अपॉर्चुनिटी मिली है 55 मिनट की। बहुत अच्छा रूट सी, वन ऑफ माई बेस्ट रूट्स जिन्नी भी मैं हाफ मैराथॉन्स करी है, 35 इवेंट करे हैं, सब तो वधिया रूट रही है। तो सब तो वड्डी गल है पूरा तैयार होके आया सी इस बार, 25 किलो वजन तोड़िया। मन तो 700 का सी बट वासी मैम ने अपॉर्चुनिटी दी 55 मिनट्स की। सो वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी टू रेस ओवर एयर। बहुत वधिया लग्या। थैंक यू वन रेस जलंधर, थैंक यू सुपर सिख, थैंक यू एवरीवन। क्या नाम है सर आपका? मायसेल्फ अज्जू छाबड़ा, आई एम फ्रॉम पटियाला एंड आई एम डूइंग माय सेकंड ऑफिशियली मैराथन एंड टुडे आई हैव माय पीआर 53 मिनट्स एंड बहुत अच्छा लगा। रूट बहुत अच्छा था, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी मैराथन में जरूर आए। मैम आपका नाम? सत श्री अकाल, माय नेम इज गुरलीन अरोड़ा, मैं गुड़गांव से आई हूँ स्पेशली फॉर दिस वन रेस, ह्यूमन रेस। और बिलीव इट और नॉट, जलंधर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, रूट पे इतना मजा आया, सबके सब ऐसे लग रहे थे बाहर आ गए हैं हमें ग्रीट करने के लिए। थैंक यू सो मच जलंधर, और जो मेरे साथ भाग रहे थे उन लोगों ने अपने पर्सनल बेस्ट लेकर आए हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वेदर, रोड, लोग, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। थैंक यू सो मच, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो आज हम जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम पे मौजूद थे जहां पर मैराथन रेस को जो ऑर्गेनाइज कराया गया और जहां पर 5000 से यानी कि 5000 करीब लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। ऐसे हमने विनर से भी बात करने की कोशिश की, उनसे बातचीत भी की और इसके अलावा जो हमने कई अन्य लोगों से बात की, हम लोगों ने जो है यहाँ के जो फाउंडर थे रजनी दादा से भी बातचीत की। उन्होंने उनकी जो एनजीओ थी सोच एनजीओ के तहत जो है उन्होंने ये मुहिम चलाई, जो ऑटिज्म से प्रभावित है उनको कैसे जो है आगे लेके जाना है, उन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो आज हम जालंधर के यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में जो है मैराथन रेस को पूरा कवर किया और जो है इस वीडियो में हमने पूरे वीडियो में ये देखा कि कैसे जो है लोगों में कितना उत्साह था, इस रेस को लेकर कितना ज्यादा जो है जोश इनमें देखने को मिला था।